प्रिंसिपल साहब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनका जो था, हम गार्ड से पूछ के किसी काम से यहाँ आए थे और उसके गार्ड को बताया था हमने कि छात्र संघ अध्यक्ष और बाकायदा हमने उनको परिचय दिया था। उनके बाद उनकी अनुमति के बाद आए थे और गार्ड के साथ हमने जो चमार को देखना था वो देखे और चले गए। हमारे को आवश्यक कार्य था। प्रिंसिपल सर के पास हमने फ़ोन भी किए थे परंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, इस वजह से फिर हमारे गार्ड को बता के आके हमारा काम करके चले गए थे। क्यों नहीं उठाया, कारण क्या था? फोन प्रिंस प्राचार्य सर, हम क्या उनके एक अलग मानसिकता है वो न तो हमारे छात्र संघ पदाधिकारियों के जो मैं क्या है विद्यार्थी परिषद से हूँ, उनका एक अलग ही एक मानसिकता विचारधारा हावी है उनके ऊपर, तो इस वजह से वो हमारा न तो किसी प्रकार से फ़ोन उठाते हैं न हमारी बात को मानने के। उनका वो सरकार को खुश करने के काम ही कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे गलत है, सही है? बिल्कुल निराधार गलत है। हमारे साथ हम दो व्यक्ति आए थे और दोनों सम्मानित पदों पे हैं और सम्मानित व्यक्ति है और यहाँ किसी प्रकार का कोई न्यूज नहीं किया था। गार्ड के साथ आए थे और गार्ड के साथ हमने हमारा काम किया और वापस चले गए थे। आप आए के लिए थे? हमारे नोटिस पे कुछ देखना था कि कुछ नोटिस लगा हुआ है, एकदम रात को टाइम था हमारे, कुछ सुबह का हमारे को कुछ काम करना था इस मुद्दे के ऊपर, तो उसके पूर्व में क्या थी ये देखना था। और आज हमने ज्ञापन भी दिया है। हाँ जी बिल्कुल, हमने विभिन्न समस्याओं का, आज जो समस्याएं थी जैसे कैंटीन की और साइंस ब्लॉक का छज्जा गिर रहा है उसके बारे में अवगत कराया और कैंटीन जो अवैध रूप से चला रखी है इसका कोई टेंडर नहीं निकाला है न किसी प्रकार से कुछ निकाला है, और कैंटीन महाविद्यालय की है जबकि महाविद्यालय के बाहर वाले लोग भी इसका साइड में गेट खोल के चला रखा है जो भी गलत है, और कैंटीन की जो सुविधाएं हैं बुनियादी सुविधाएं टेबल कुर्सियां कुछ भी नहीं लगी, न छाया के लिए टिन शेड है। इसके साथ साथ ही जो खेल परिसर है फर्स्ट और सेकंड उनमें न तो बुनियादी सुविधाएं, न तो पानी की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और जो काम वही काम कर रहे हैं जो सरकार को खुश करने के हैं और जो सरकार से इनके लिंकअप बनाने के लिए जो काम है उन कामों को प्रमुखता दे रहे हैं, बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम छात्रों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो छात्र सड़क पर उतरेगा और इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, जीसी।